हाय गाइस, दिस इज रिकी एंड वेलकम बैक टू रिकी भाजो व्लॉग सेशन। और आज अपने आ गया हुंडे की एक्स्टर, बिल्कुल जो नया वेरिएंट आया इसमें वो आई है। दिस इज द एसएक्स ऑप्शनल कनेक्ट वेरिएंट, सबसे टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल में। तो भाई इसमें ये अपने सामने ग्रीन कलर खड़ा है, तो दिल्ली में सारे कलर एक यही कलर अलॉट हुआ हर एक मॉडल में। तो आप ओवरऑल लुक देख ही सकते हो, दिस इज इन डुअल टोन वेरियंट एंड ORVM, जैसे कि आपको देख सकते हो ब्लैक आउट मिल जाते हैं ग्लोसी ब्लैक में, एंड आपको रूफ मिल जाती है आपको ग्लोसी ब्लैक में। एंड ये यू कैन सी जो अपने पिलर है, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, जो भी अपने सारे ब्लैक आउट फिनिश के साथ आते हैं। इसी के साथ अपने को जो ये पीछे वाली फिनिश आती है भाई, ये भी ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। एंड पैटर्न देख सकते हो आप इसमें, किस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। 6 एयरबैग के साथ अपने को ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पीछे से आप देखोगे बिल्कुल भाई सपाट लुक कर दिए हुंडई ने, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ इसमें जो आपको हाइट, विड्थ और लेंथ मिल जाती है वो भी दिखा देता हूँ। लेंथ अपने को 3815 mm की मिल जाती है, विड्थ अपने को 1710 mm की, और हाइट 1631 mm की। व्हील बेस मिल जाता है भाई 2450। अच्छा, एक और जो मिथ था लोगों का वो आप यहाँ से देख ही सकते हो कि व्हील बेस और ये सब कहाँ से कैसे नापा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन कार के रिलेटेड सब कुछ है। जो मैं आपको अलॉय दिखा देता हूँ भाई, डायमंड कट अलॉय व्हील सब देखने को मिल जाते हैं अपने को गाड़ी के साथ में। जो टायर साइज़ है वो अपने को 175/65R15 का 15 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो अपने को साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है वो गाड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को क्लैडिंग देखने को मिल गई, यहाँ पे अपने को क्लैडिंग देखने को मिल गई। प्रूफ बेनिफिट इसका ये हो जाता है कि भाई गेट्स पे ना स्क्रैचेस देख का एक वो हो जाता है, जैसे यहाँ पे स्क्रैच लग गया तो भद्दा दिखेगा, लेकिन वहीं यहाँ पे लगेगा तो इतना आई कैची नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा कंपनी इसको रिकमेंड करती है अपने खर्चा भी बचाने के लिए। अंदर आ जाते हैं, अंदर से भाई सच बात बताऊँ तो भाई गाड़ी मिलती है बहुत ज़्यादा स्पेशियस। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलती है। और इसके अलावा टॉप मॉडल में भी आप देख सकते हो, टॉप मॉडल में मेरे को यार हुंडई की ये चीज़ गलत लगी। इंटीरियर इतने प्रीमियम होते हैं हुंडई के, बट इसमें अपने को भाई बिल्कुल डोर ट्रिम बिल्कुल ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलती है। डोर हैंडल्स भी अपने को ब्लैक फिनिश देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर मिल जाते हैं अपने को भाई 10,58,000 में अपने को CNG वेरिएंट मिल जाता है टॉप मॉडल में। मतलब कि भाई पंच से इतना ज़्यादा कॉम्पीट कर रही है। पंच में आपको 3 सिलेंडर मिलता है इंजन, लेकिन इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। और सीट कुछ ऐसी यूज़ कर रखी है हुंडई एक्स्टर में। एंड जो मेन चीज़ थी, मैं आपको इसकी पावर फिगर्स दिखाना चाहूँगा। पावर फिगर्स इसमें अपने को बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। प्राइस ये है कुछ आपकी पावर फिगर, 61 kW मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क 113.8 Nm का। मैनुअल में इसकी 19.4 km/L की माइलेज है। दिस इज़ पेट्रोल में बता रहा हूँ मैं आपको ये सारी माइलेज। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हुंडई के शोरूम पर भी देखने को मिल जाती है। एंड आई थैंक्स हुंडई नरेला विच हेल्प मी अलॉट टू मेक दिस वीडियो ऑन हुंडई एक्स्टर। इसके अलावा ओरा का इंटीरियर बिल्कुल कॉपी किया गया है हुंडई एक्स्टर में। जैसे कि मैं दिखा दूँ अंदर आके, जो अपनी फिनिश आती है वो बिल्कुल हुंडई ओरा जैसी आती है। और ये अपने सामने खड़ा है भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसमें आपने को देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। ओन स्टीयरिंग कंट्रोल अपने को देखने को सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, क्रूज़ कंट्रोल, टॉगल स्विचेस, म्यूजिक एंगेज स्विच, यू गेट एक्स्ट्रा बैजिंग। और यहाँ पे अपने को भाई वही वेन्यू और ओरा वेन्यू वाली सनरूफ देखने को मिल जाती है। जो अपना IRVM है वो ऑटोमेटिक IRVM देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपने को डैश कैम देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो अपना एंड्रॉयड ऑटो प्लेयर है एप्पल कारप्ले के साथ देखने को मिल जाता है। जो अपनी इन्फोटेनमेंट सिस्टम की यूनिट है वही वेन्यू वाली सेम देखने को मिल जाती है, जो कि बड़ी प्रीमियम देखने को लगती है। तो अपने पास अभी की नहीं है, इसकी वजह से इन्फोटेनमेंट सिस्टम हम ऑन करके नहीं दिखा सकते। यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और चार्जिंग यूनिट्स, जो USB और C-टाइप दोनों में दे रखा है, जो बहुत बढ़िया काम कर रखा है। इसके अलावा जो ग्लव बॉक्स का अपना यूनिट है वो भी काफ़ी बढ़िया है इसमें। और चीज़ यहाँ पर मिल जाती है अपने भाई पेडल शिफ्टर के अलावा जो अगला जो अपना यूनिट है वो भी दिखा देता हूँ मैं गाड़ी की। के यूनिट में अपने को यहाँ पे DRL मिल जाती है H वेरिएंट में, और यहाँ पे मिल जाते हैं भाई प्रोजेक्टर। तो काफ़ी हद तक लुक बढ़िया बना रखे हैं। तो ये था वीडियो एक्स्टर के ऊपर, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, तो विदा लेता हूँ आपसे। बाय, जय हिंद।